हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल एसके इलेवन फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नामीबिया वर्सेस उगांडा के बीच में जो फास्ट T20 मैच खेले जाएंगे उसी के बारे में। यहाँ पर दोनों टीम का अगर मैच इन प्रेडिक्शन को लेकर बात की जाए तो नामीबिया के जीतने के चांस यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% रहेंगे और वहीं पर दोस्तों उगांडा के जीतने के चांस रहेंगे 20%। तो यहाँ पर आपको ऑन साइड मैच देखने को मिलेंगे क्योंकि नामीबिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और नामीबिया की तरफ से जो मैक्सिमम प्लेयर रहेंगे उन्हीं को पिक करके जाइएगा, ठीक है। स्पेशली उनका जो 5 मेन बॉलर्स रहेंगे और जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहेंगे उनको तो पिक करना ही होगा। और उगांडा जब पहले बॉलिंग करेंगे तो उगांडा की तरफ से आपको 3 से 4 खिलाड़ी आपको जरूर पिक करनी है, लेकिन यहाँ पर उगांडा की तरफ से जो भी बैट्समैन रहेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे क्योंकि सारे बैट्समैन यहाँ पर स्ट्रगल करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और नामीबिया जब पहले बॉलिंग करेंगे तो नामीबिया का 5 ही मेन बॉलर्स को अपने टीम में लेकर जाइएगा और टॉप ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है। तो ये मैच दोस्तों स्पेशली ड्रीम इलेवन के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। अगर टॉस के बाद लगेंगे कि हम ओल्ड फॉर्मेट में भी अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। माई मास्टर इलेवन ऐप की जो टीम रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया पहले तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप आपको फाइनल टीम आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में आपको लगातार बहुत सारे मैचेस की कवरेज मिलते रहेंगे। चलिए पहले दोनों टीम का कुछ स्कोरकार्ड देख लेते ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्यों रहेंगे। आप देख सकते हैं इंडिया के टाइम कौन सा है, शाम 5:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोग उसी हिसाब एक्टिव रहिएगा। या पर अगर आपकी स्क्वाड देखना तो आप देख सकते हैं निकोलस डेविड फिर देखिए स्वान फौज, ये दोनों अगर खेलेंगे तो दोनों ओपनिंग पर आएंगे और दोनों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। स्पेशली देखिए स्वान या पर स्वान फौज तो दोस्तों बॉलिंग भी करेंगे तो आप इनको कैप बेस भी ट्राई कर लीजिएगा जीएल में। फिर देखिए जेरार्ड इरास्मस, इनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता होगा जेन फ्रैंकलिन बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है, जे स्पीड ये भी बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है लेकिन रिसेंटली ज़्यादा बॉलिंग किया नहीं है। फिर देख सकते हैं पिकी या फैंस और ये जेन ग्रीन, अब काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उगांडा की तरफ से भी आप स्क्वाड देख सकते हैं जो लास्ट कुछ दिन पहले खेल के आ रहे वही सारे खिलाड़ी यहाँ पर भी खेलेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कौन रहेंगे यहाँ पर उगांडा की तरफ से, रिजाका तालिशा, फिर रहेंगे यहाँ पर दोस्तों ब्रेन मर्शबा, ठीक है, जो कि टीम का कप्तान है, दिनेश नकरानी, और रहेंगे यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन जिसका नाम है आप देख सकते हैं अल्पेश रामजानी, ठीक है। इन 4-5 ऑप्शन को आप जरूर लेके जाइएगा क्योंकि बैटिंग वाली दोनों से पॉइंट देंगे, स्पेशल रिजाका तालिशा और दिनेश नकरानी इस टीम का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, ठीक है, दोनों तो आपकी टीम में होना ही चाहिए। और जब पहले बॉलिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए हेनरी सिसांडो, फिर रहेंगे बिलाल हसन, ठीक है, और यहाँ पर रहेंगे फ्रैंक नुसमंगा, ये बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे। इनमें से किसी एक या दो बॉलर्स को आप टीम में पिक कर सकते हैं जब पहले बॉलिंग करेंगे। रिसेंटली नामीबिया ने काफी सारे मैच खेल रखे लेकिन वो 50 ओवर का मैच था, ओडीआई मैच था, ठीक है, कर्नाटका यानी हमारे जो स्टेट है कर्नाटका उन्हीं के साथ खेल के आए थे। तो यहाँ पर देख सकते कर्नाटका ने आसानी से मैच विन किए थे और एक या दो मैच नामीबिया ने भी विन किए थे। यहाँ पर जो लास्ट मैच हुआ था देख सकते हैं नामीबिया ने विन किए थे, फील्डिंग करते हुए देखिए 230 ऑन रन बनाए थे, यहाँ पर नामीबिया आसानी से मैच विन किए थे। इसीलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नामीबिया की तरफ से जो बैटिंग ऑर्डर देखने को मिलेंगे ना वो आपको सेम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और रिसेंट फॉर्म भी आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस बार स्क्वाड में है नहीं तो यहाँ पर आपको कौन देखने मिल जाएंगे, यहाँ पर देखने मिलेगा स्वान फौज, ठीक है, वो खेलेंगे और ओपनिंग पर आना चाहिए, बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे, आपको बॉलिंग भी दे देंगे। यहाँ पर देखिए निको डेविड बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, ठीक है, यहाँ पर 0 पे आउट रहे थे लेकिन ये बहुत ही शानदार बैट्समैन है, यहाँ पर खेलना चाहिए, खेलेंगे तो ओपनिंग भी आएंगे और ये आपकी टीम में होना चाहिए, आपको जरूर लेके जाइएगा। फिर देखिए माइकल फैन लिंकन अगर खेलेंगे तो ये भी बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे क्योंकि इस खिलाड़ी ने रिसेंटली काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं नामीबिया की तरफ से और इनको लगातार ऑनडर पर मौका दिया जाता है, अगर खेलेंगे तो जरूर पिक कर लेना। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों नंबर 1 पिक रहेंगे जेरार्ड इरास्मस जो कि इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, आपको बॉलिंग भी देंगे लेकिन इस मैच में शायद ज़्यादा बॉलिंग ना करें क्योंकि वीक टीम के साथ मैच है, वीक टीम के सामने ये ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। जेन फ्रैंकलिन बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे क्योंकि आप ऑलमोस्ट 4 ओवर की फुल बॉलिंग देंगे, आप इनको जरूर लेके जा सकते हैं, बैटिंग आने से बैटिंग बहुत ही शानदार तरीके से कर लेते हैं। फिर देखिए आप मिगन टुपरी जो विकेट कीपर पे मेंशन रहेंगे अभी इनको ज़्यादा बैक कर सकते हैं, 38 रन बनाए थे। जेन ग्रीन पर थोड़ा नीचे आएंगे लेकिन ये बहुत ही शानदार तरीके से हीटिंग करते हैं, हीटिंग के लिए जाने जाते हैं, आप इनको भी पिक कर सकते हैं, 12 रन बनाए थे। आई और का बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख रहे थे कि कौन कितना ओवर बॉलिंग किए थे, बेन सिकागो ने 7 ओवर में 1 मिनट के साथ विकेट लेस लेकिन ये बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे। स्पेशली देखिए इन नामीबिया की तरफ से जो भी बॉलर्स खेलेंगे ना वो सारे बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जब पहले इनिंग्स में बॉलिंग करेंगे, ठीक है। जेन फ्रैंकलिन 5 ओवर में 2 विकेट, फिर देख सकते हैं बेनॉर्ड स्कूल 10 ओवर में 1 मिनट के साथ 3 विकेट, आप इस खिलाड़ी को कैप इसी जीएल में जरूर ट्राई कर लेना क्योंकि आपको 4 ओवर में 1 खिलाड़ी 2-3 विकेट जरूर दिला के जाएंगे इस मैच में और बैटिंग आने से बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। फिर देख सकते हैं अब रहेंगे क्लेजियन जो कि स्क्वाड में मोस्ट बॉली नहीं है, अगर खेलेंगे तो फिर इनको भी पिक कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 ओवर की बॉलिंग किए थे, 1 मिनट के साथ 3 विकेट चटकाए थे। पिंकी या फ्रेंड्स देख सकते हैं 10 ओवर में विकेट ले, सॉरी पे जेरार्ड इरास्मस 7 ओवर में 1 विकेट। देखिए पिंकी या फ्रेंड्स दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा बॉलिंग रहेंगे, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, ये भी विकेट टेकर बॉलर है, अगर खेलेंगे तो आप इनको भी जरूर बैक करके जाइएगा।
एक और मैच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं जहाँ पर कर्नाटका ने बहुत ज़्यादा रन बना दिए थे 360, उसके बाद भी ये लोग विन कर लिए थे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए उनका जो टॉप फोर था ना, बहुत ही बढ़िया बैटिंग किए थे, स्पेशली देखिए बर्ड स्कोर भी नहीं है। यहाँ पर देखिए निको डेविड ने बहुत ही शानदार बैटिंग किए थे, 70 रन बनाए थे। उसके बाद देखिए माइकल वैन ये भी ये 100 बना दिए थे, और ये बहुत ही अच्छा बैट्समैन मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर देखिए जीरो डेविड मास्टर भी बहुत ही बढ़िया बैटिंग किए थे, और ये लगभग T20 की तरफ भी बैटिंग किए थे और 91 रन बनाए थे। ठीक है, जेन फ्रैंकली 12, फिर देख सकते जेन ग्रीन ने 10, और अभी पी किया फ्रेंड्स ने 3 रन बनाए थे। बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं, फिर कल ब्रिकेस्टन यहाँ पर 10 ओवर में 2 मिनट के साथ 1 विकेट, बेन सिकागो 9 ओवर में 1 विकेट, काफ़ी ज़्यादा रन दिए था, खुद देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रेंड स्कुलर 10 ओवर विकेटलेस, लेकिन ये बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वही टीम के साथ मैच है। जेन फ्रैंकली क्या देखिए 10 ओवर में 1 विकेट, इनका भी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुआ था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पी किया फ्रेंड्स ने 7 ओवर में 57 रन दिए थे, और जीरोड इरास्मस ने 4 ओवर में 23 रन तक 1 विकेट चटकाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर उगाने का परफॉर्मेंस देख सकते हो कि रिसेंटली खेल के आ रहे, और ये सारे टूर्नामेंट हम लोग कवर किए थे, आपको पता ही होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा विनिंग भी किए थे, और इस सीरीज में भी हम लोग विन करेंगे। यहाँ पर देखिए उगाना पहले बैटिंग करते 125 रन बनाए थे, और केनिया यहाँ पर चेज नहीं कर पाए थे, लेकिन केनिया काफ़ी ज़्यादा वीक टीम, आपको पता होगा, नामीबिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है अभी रिसेंट टाइम में, ठीक है। तो आइए पहले बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पर बॉलिंग से देख सकते हैं रिजा का 43 था, 3 ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, जो कि इस टीम का रिसेंटली सबसे बेहतरीन और टॉप क्वालिटी खिलाड़ी है, उनको आप जरूर लेके जाइएगा, नंबर वन पिक रहेंगे उगाना की तरफ से। बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको परफॉर्मेंस दे देंगे। दिनेश नकरानी देखिए 4 ओवर में 1 विकेट, केना तो ऐसे 4 ओवर के फुल बॉलिंग किए थे, 1 मिनट के साथ 2 विकेट चटकाए थे। फिर देख सकते हैं हेनरी सेसन ने 4 ओवर में 1 विकेट, फ्रैंक नुसेबंगा 3 ओवर में 1 विकेट, और फिर एस नुबंगा 2 ओवर में विकेटलेस गए थे। आइए उनका बैटिंग से परफॉर्मेंस देख लेते। सिमो सीजा जी 0 पर आउट हुए थे, फिर देख सकते रॉबिनसन ओबा जी 3 रन बनाकर आउट हुए थे, केना तो ऐसे 1 रन, और सारे बैट्समैन यहाँ पर फिर से स्ट्रगल करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ नामीबिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके पास बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी क्वालिटी है, तो यहाँ पर ये लोग स्ट्रगल करेंगे। फिर देख सकते रिजा का 0 पर आउट हुए थे, लेकिन ये नंबर वन पिक रहेंगे उगांडा की तरफ से, दिनेश नकरानी नंबर 2 पिक रहेंगे। इन दोनों को इस टीम से जरूर लेके जाइएगा। बैटिंग बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट सब अच्छे खासा पॉइंट दे देंगे, और जब पहले बॉलिंग करेंगे तो ये दोनों मस्ट पिक में होना चाहिए, ठीक है, चाहे बैटिंग करे पहले या फिर बॉलिंग करे, दोनों को लेके जाइएगा। ब्रेन वॉस 16 रन बनाए थे, फिर देख सकते किरस या फिर 17 बनाए थे, सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिएगा। पस के लिए यहाँ पर 31 बनाए थे, निशुभंग 8 रन, और फिर सिराज 1 रन बनाए थे। आइए एक और मैच की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, केनिया के साथ एक और मैच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जहाँ पर उगांडा ने आसानी से विन किया था। सिमोन सीजा जी 56 रन बनाए थे, रॉबिनसन ओबा 1 रन, फिर देखे कैनथ 7 रन, रिजा का अलीशा 4 रन बनाए थे, दिनेश नकरानी 34 बनाए थे। अलीशा केनिया के सामने दोनों मैच में फ्लॉप गए थे, और दिनेश नकरानी ने दोनों मैच में अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, ठीक है, 34 रन यहाँ पर भी बनाए थे। पास्कल ने 2 रन बनाए थे, और यहाँ पर देखिए मुकाशा ने 9 रन बनाए थे। बॉलिंग से परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते रिजा का 3 ओवर में 1 विकेट, फिर देखे दिनेश नकरानी 4 ओवर में 1 मीडियम के साथ 1 विकेट, अल्पेश रामजानी 4 ओवर में 1 विकेट, फिर देखे केनाथ अलीशा ने 4 ओवर में 1 विकेट, सिराज यहाँ पर 1 ओवर में विकेटलेस, और सिद्धांत ने 4 ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। ठीक, तो ड्रीम में जाकर हम लोग प्लेयर वाइज एनालिसिस और स्मॉल की टीम बनाने की कोशिश करते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जेन ग्रीन सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बैटिंग से बहुत ही शानदार तरीके से हिटिंग कर लेते, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, अगर इनको बैटिंग करने का मौका मिल जाएंगे तो अच्छे खासा परफॉर्मेंस कर देंगे, लेकिन इनको तभी पिक करना जब नामीबिया पहले बैटिंग करेंगे, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उगांडा जब पहले बैटिंग करेंगे ना तो ज़्यादा रन नहीं बना पाएंगे, और इनका बैटिंग और काफ़ी ज़्यादा नीचे रहेंगे, तो फिर इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। सिमोन सीजा यहाँ पर आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि आप ओपनिंग करके दे देंगे, लेकिन बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद मत रखना इस मैच में। एम डी डुप्लेसिस अगर खेलेंगे तो इनको बैक कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ओपोर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जेन ग्रीन से बैटिंग ऑर्डर इनको ओपोर आएंगे, तो आप इनको बैक कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए जेन ग्रीन के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि आप विकेट कीपिंग से भी अच्छे पॉइंट दे देंगे। बैटिंग सेक्शन में देखिए आप एम फैन लीगन, फिर देखिए यहाँ पर ए लॉरेंस अगर खेलेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए आर लुता खेलेंगे, आप इनको बैक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि उगांडा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उगांडा काफ़ी ज़्यादा वीक टीम है। यहाँ पर देखिए एन डेविन का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, अगर ये खेलेंगे और मोस्टली खेलना भी चाहिए, ओपनिंग पर आएंगे बहुत ही शानदार खिलाड़ी, आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। फिर नीचे जब देखोगे यहाँ पे कोई खास ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन रहेंगे जिसका नाम ब्रेन मसल, आप इनको चाहते बैक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तो साबी के लिए पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एन नवीन, और यहाँ पे मैंने एम वैन लीगन को मैंने पिक कर रहा हूँ, ठीक है, ए लॉरेंस खेलेंगे तो मैं इनको भी अपनी टीम में जगह देकर जा सकता हूँ। ऑलराउंडर सेक्स में देखिए जीरो तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे, दिनेश नकरानी डिफॉल्ट पिक रहेंगे, फिर देखिए जे फ्रैंकलिंग, रिजा कतालिशा, जे जे स्मिथ फिर रहेंगे यहाँ पर दोस्तों, जो नीचे रहेंगे सैम कोच, ठीक है, बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी खेलना चाहिए, अगर खेलेंगे तो ओपनिंग पर आएंगे और 4 ओवर की मोस्ट बॉलिंग दे देंगे, तो कैप्टन के लिए भी ये बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना, मैंने इनको जरूर अपनी टीम में जगह दूंगा। या पर देखिए अल्पेश रामजानी और केनाथ साहब, इन दोनों में से किसी को बैक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं फाइनल टीम में दोस्तों दिनेश नकरानी को ड्रॉप कर सकता हूँ, जब यहाँ पे उगांडा पहले बैटिंग करेंगे, जब पहले बॉलिंग, तो मैं इनको जरूर टीम में लेके जाऊंगा। बॉलिंग में देखिए आप दोस्तों बिनॉट स्कूल बहुत ही बड़े
पिक रहेंगे, डिफॉल्ट पिक रहेंगे। फिर देख सकते हैं रूबेन, ये भी डिफॉल्ट पिक रहेंगे, ठीक है। इन दोनों का ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन रहेंगे जिसका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और वही बेन शिकागो मोस्ट वाली खेलेंगे, और खेलेंगे तो बहुत ही बड़े पिक बन जाएंगे। पावर प्ले में दो ओवर बॉलिंग देंगे और डेथ में, तो इनको आप ड्रॉप मत करना इस मैच में, क्योंकि एक खिलाड़ी आपको 2 से 3 विकेट आसानी से दिला के जा सकते हैं, ठीक है। इस वीक टीम के साथ मैच है तो विकेट मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। नहीं लगते यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रम्प का पिक रहेंगे, उसका नाम है वाई या फ्रेंड्स। ये आपको दोस्तों इस मैच में एक जीएल जिता के दे सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इस खिलाड़ी को आप जरूर लेके जाइएगा जीएल में, इनको बारी बारी में पिक कर लेना। स्मॉल लीग के लिए भी बहुत ही बड़े पिक रहेंगे, अच्छे खास विकेट आपको दिला के जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोस्तों इस खिलाड़ी को पिक करना चाहता हूँ इस मैच में, तो यहाँ पर किसी को मुझे ड्रॉप करना पड़ेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो रहेंगे जे जे स्मिथ, मैं उस पर इनको ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि ये मैं रिसेंटली ज़्यादा बॉलिंग किया नहीं है, और इस मैच में भी बॉलिंग करने का चांस मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वीक टीम के साथ मैच है, ठीक है। अगर बैटिंग पहले करेंगे ना अभी भी, तब इनको बैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बैट्समैन भी है, ठीक है। मैंने अभी के लिए उनको ड्रॉप कर रहा हूँ, और मैं बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों पिक करूँगा या पे वाई या फ्रेंड्स को, फिर दोस्तों मैं पिक करूँगा यहाँ पे रूबेन को, और यहाँ पे बेन स्कूलज को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बी एन शिकागो बहुत ही बड़े पिक रहेंगे। अगर उगांडा की तरफ से किसी प्लेयर की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे हेनरी सीसन अच्छे पिक रहेंगे, फ्रेंक निसबांगा अच्छे पिक रहेंगे, और जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे उसका नाम है यहाँ पे बिलाल हसन, आप इनको जरूर पिक करके जा सकते हैं। और जे मियागी मोस्ट वाली खेलेंगे इस मैच में, ये भी बहुत ही बड़े पिक रहेंगे। अगर खेलेंगे दोस्तों और उगांडा की तरफ से किसी एक ही बॉलर को पिक करना है, तो आप इनको पिक कर लेना जे मियागी को, ठीक है। ये बहुत ही बड़े पिक रहेंगे, मैंने अभी के लिए पे वाई फ्रेंड्स को पिक करूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो मैं बिल्कुल टॉस के अकॉर्डिंग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगा अभी भी। अच्छा फिर बॉलिंग करेंगे तो बेन स्कूल या रूबेन बहुत ही बड़े पिक रहेंगे, क्योंकि दोनों आपको अच्छे खासा पॉइंट दिला के जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते दोनों ही। सिक्स में शाम फाउच बहुत ही बड़े पिक रहेंगे, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिला सकते हैं। फिर देखिए जीरो ये तो सेफ पिक रहेंगे, लेकिन इनको तभी बनाना जब पहले बैटिंग करेंगे ना भी भैया, पहले बॉलिंग करेंगे तो फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे कैप भीसी के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। जेन फ्रैंकलिन भी बहुत अच्छे पिक रहेंगे, ये दोनों सेफ ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। मैंने अभी के लिए दोस्तों कैप्टनसी दिया हुआ यहाँ पर दोस्तों रूबेन को, और वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ बेन स्कूलज को, लेकिन ये बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको डेफिनेटली चेंज देखने मिलेंगे। मैं कैप्टन यहाँ पर दोस्तों सैम फाउच को भी दे सकता हूँ, और जीरो वाइस कैप्टन जगह ताली साह को भी भीसी ट्राई कर सकते हैं कैप भीसी जीएल में, जब पहले बॉलिंग करेंगे, ठीक है। जब पहले बैटिंग तो फिर ज़्यादा उम्मीद मत रखना इनसे, तो देख सकते हो जो कि बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल के लिंक आप किसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसी से ज्वाइन कर लीजिएगा। विकेट की सेक्शन में जेन ग्रीन को पिक किया, और बैटिंग सेक्शन में देखे एम वैन लिंगन, फिर देख सकते एन डेविन, ऑलराउंडर सेक्शन में जे फ्रैंकलिन, फिर देखिए सैम फाउच को, और फिर रिजा का तालिसा को, चिरॉड को पिक किया, और दिनेश नकटानी को पिक को। बॉलिंग सेक्शन में एच या फ्रेंड, फिर देखिए आप रूबेन को, और पे ब्रिनॉन स्कूल को मैंने जगह दिया हूँ। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यही पर ज्वाइन होना है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो देखिए इस बात की जल्दी से आइए और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यही पर आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।